और दोस्तों, क्या हालचाल। सो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक शेल स्क्रिप्टिंग प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग आ लोकल यूज़र। तो हम लोग ये वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी स्क्रिप्ट कैसे काम करेगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल पे आ गया हूँ। यहाँ पे क्रिएट यूज़र .sh हमारी स्क्रिप्ट है, और आपको जब भी कोई एक नए यूज़र का अकाउंट बनाना है अपने लिनक्स सर्वर पे, सिंपली आपको क्या करना है, अपने इस स्क्रिप्ट को रन करना है। एंड उसके बाद आपको सिर्फ सिंपल यूज़र का नेम देना है। सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ एलेक्स। एंड यहाँ पे आप कुछ कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, लाइक अकाउंट फॉर क्यूए टीम लाइक दिस। एंड जैसे आप एंटर करोगे, ठीक है, सो नाउ आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, अब इसमें चीज़ें दिखेंगी आपको, एक तो यूज़र नेम जो कि एलेक्स है जो हमने दिया था, पासवर्ड इसने ऑटो जनरेट किया है। एंड यहाँ पे देखोगे तो इतना बढ़िया और इतना कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा पासवर्ड यहाँ पे इसने खुद जनरेट करके यहाँ पे शो कर दिया। एंड होस्ट मतलब यहाँ पे किस होस्ट नेम, मतलब किस सर्वर के लिए हम लोग यहाँ पे ये अकाउंट बना रहे हैं। ऑल्दो एंड जब भी हम लोग किसी नए यूज़र का अकाउंट बनाते हैं, सिंपली आपको स्क्रिप्ट यूज़ करनी है एंड यूज़र नेम देना है। एंड आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट करके इतनी डिटेल उस यूज़र को आप सेंड कर सकते हो कि हाँ आपका यूज़र अकाउंट बन गया है एंड ये रही डिटेल्स। सो आप सिंपली लॉग इन कर सकते हो। सो हमारा इस प्रोजेक्ट से काफ़ी काम आसान हो जाता है। ये डे टू डे टास्क में हमारे लिए हेल्पफुल तो है ही, जो लोग एडमिन फील्ड में हैं, बट इवन इफ़ यू आर नॉट इन अ एडमिन फील्ड, ओके, सो आप शेल स्क्रिप्टिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसके ओवरव्यू के लिए ये वीडियो देख सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो कि एक प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है एंड क्या क्या अप्रोच होती है एक स्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने में। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड सबसे पहले तो हम रिक्वायरमेंट समझते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई स्क्रिप्ट बना रहे हैं या तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम रिक्वायरमेंट की बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में। ओके, सो सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट। स्क्रिप्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड विद रूट यूजर एज एग्जिट विद स्टेटस 1 एंड एरर मैसेज। ये जो स्क्रिप्ट है, ऑफ कोर्स आप एज एडमिन एक यूजर क्रिएट कर रहे हो, तो या तो आपको सूडो एक्सेस चाहिए या तो रूट यूजर का एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एज ए नॉर्मल यूजर इसको एग्जीक्यूट करते हो, सो उसको मतलब जो भी यूजर है उसको एरर आना चाहिए प्रॉपर डिस्प्ले कि हम बताएं उसको कि एज अ रूट प्रिविलेज आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। स्क्रिप्ट विल टेक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज यूजर एंड रेस्ट विल बी ट्रीटेड एज कॉमेंट। जैसे कि अभी हम लोग ने एग्जाम्पल ही देखा, हम लोग ने एलेक्स एक पहले तो यूजर नेम दिया, उसके बाद हम लोग ने कॉमेंट के नाम पे बहुत कुछ लिखा, बट उसने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को सिर्फ एज अ यूज़र नेम लिया एंड बाकी को उसने एज अ कॉमेंट ट्रीट किया। सो ये कैसे करेंगे हम लोग। उसके बाद ऑटो जनरेट पासवर्ड फॉर द यूज़र। ठीक है, अभी हम लोग ने जब स्क्रिप्ट यूज़ करी थी, हम लोग ने सिर्फ यूज़र नेम दिया था, पासवर्ड उसने खुद जनरेट किया एंड खुद सेट भी कर दिया। राइट, सो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, एंड उसके बाद लास्ट में अपॉन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट डिस्प्ले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कि यूज़र नेम, पासवर्ड एंड होस्ट। ये तीन इन्फॉर्मेशन हमें लास्ट में प्रोवाइड करनी है। एंड इसके अलावा जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं एक स्क्रिप्टिंग में, जैसे कि एरर हैंडलिंग, कि अगर कोई कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो उसको कैसे डील करना है, कैसे उसको आपको यूज़र को शो करना है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, या तो प्रॉपरली हैंडल करना। ओके, एक बार जब रिक्वायरमेंट हमारी क्लियर हो गई कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्या अचीव करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें और एक एक स्टेप्स पे काम करें। ओके, सो हम लोग आ जाते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि हमारे स्टेप्स। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, सो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी एक अच्छे प्रोजेक्ट बनाने में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप। सो पहला स्टेप्स, ओके, तो चेक इफ द स्क्रिप्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड विद अ सुपर यूजर प्रिविलेज और नॉट। सो स्क्रिप्ट की शुरुआत ही हम करेंगे कि हम पहले चेक करेंगे जो भी यूजर एग्जीक्यूट कर रहा है वो रूट है कि नहीं है तो हम उसको एरर दे देंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर रूट नहीं है तो हम लोग को आगे बढ़ना ही नहीं स्क्रिप्ट में, भले ही कितनी सारी चीज़ें हों। इफ़ द यूज़र डजेंट अप्लाई एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट दैट गिव देम हेल्प, कि यहाँ पे जब हम लोग ने यूज़र बनाया तो हम लोग ने एक यूज़र नेम भी दिया, बट अगर हम यूज़र नेम देंगे ही नहीं तो वो कैसे यूज़र बनाएगा। राइट, सो स्क्रिप्ट रन करने के साथ हमें यूज़र का नाम भी प्रोवाइड करना है, एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट। अगर बाद कॉमेंट हम देना दें वो ऑप्शनल है, एटलीस्ट हमें यूज़र नेम देना पड़ेगा। The first argument is username, rest parameter is treated as comments, generate a password, okay. उसके बाद है create the user with the password, okay. तो अभी क्योंकि इस स्टेज के बाद हमारे पास पासवर्ड भी है क्योंकि हम लोग ने जनरेट कर लिया, एंड यूज़र हम लोग ने मतलब जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है स्क्रिप्ट उसने प्रोवाइड किया। हम लोग के पास यूज़र नेम पासवर्ड है, तो अब हम लोग जो अकाउंट मैनेजमेंट वाली जो भी कमांड्स हमारी यूज़र ऐड उसको यूज़ करके हम लोग सिंपली यूज़र बना सकते हैं एंड उसके बाद उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स एरर हैंडलिंग जो बोला था, चेक टू सी इफ द यूज़र ऐड कमांड सक्सीडेड और नॉट। अगर सक्सेसफुली नहीं हुई है तो आप उसको एरर दो, ठीक है, तो यूज़र को ओके एंड पासवर्ड कमांड सक्सेसफुल हुई कि नहीं। फिर उसके बाद फोर्स पासवर्ड चेंज ऑन द फर्स्ट लॉग इन, बिकॉज ये हम लोग ऑटो जनरेट वाला पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए तो एक पासवर्ड दे देंगे यूज़र नेम को, बट हम लोग उसको ठीक है तो फोर्स लॉगिन के लिए फोर्स करेंगे यूज़र को कि भाई वो जब भी पहली बार लॉगिन करे उसके बाद अपना खुद का पासवर्ड सेट कर ले। तो इट इज़ बेटर अप्रोच कि जो भी यूज़र है वो खुद के पासवर्ड यूज़ करें, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से। डिस्प्ले द यूज़र नेम पासवर्ड एंड द होस्ट नेम वेयर द यूज़र इज क्रिएटेड। सो लास्ट में ये चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट में भी थी। सो अब हमारे पास रिक्वायरमेंट और स्टेप्स दोनों हो गई है। तो ऑलराइट, सो चलते हैं टर्मिनल पे। सबसे पहले तो अब अपनी फाइल बना लेते हैं स्क्रिप्ट की। ओके, सो उसके लिए हम लोग करते हैं टच एंड उसके बाद यूज़र मेक डॉट एसएच। ओके, तो यहाँ पे यूज़र क्रिएट या तो क्रिएट यूज़र किसी भी तरह का आप नाम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे एल एस, यहाँ पे मेरी फाइल बन गई एंड मैं सिंपली यहाँ पे vi यूज़र डॉट मेक करते हैं क्योंकि हम अपनी एडिटिंग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंसर्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे एक और स्टेप बताने वाला हूँ। अभी हम लोग ने जो भी स्टेप्स देखे थे, ठीक है, तो जो स्लाइड में वही स्टेप्स मैंने एज अ कॉमेंट यहाँ पे ऐड कर दिए। देखो यहाँ पे बिन बैश है, ठीक है, एंड उसके बाद स्क्रिप्ट शुड बी एक्सिक्यूटेड विथ रूट यूजर एंड सो ऑन। सो मैंने यहाँ पे सारे एज अ कॉमेंट्स ऐड कर लिए। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं सब एडिट कर रहा हूँ, सॉरी कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने सारे स्टेप्स कॉपी कर लिए एंड अभी हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये स्टेप्स को फॉलो करना और वन बाय वन स्टेप्स को या तो हम अपनी कमांड्स को ऐड करना। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्क्रिप्ट शुड बी एक्सिक्यूट विथ सूडो रूट एक्सेस। आप देख ही रहे हो कि हमें वहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है, तो कंडीशन चेक कर रहे हो, तो इसके लिए हम लोग इफ कंडीशन का यूज करेंगे एंड इसके बाद हम लोग अपनी कंडीशन यहाँ पे ऐड करेंगे डॉलर एंड इसके बाद यू आई डी। ओके, एनी जीरो, ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलते हैं देन। ओके, एंड इसके बाद हम लोग एग्जिट कर देंगे विथ 1 एंड यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन को क्लोज करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिंपली एफ आई। सो यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, हम लोग कंडीशन ऐड चेक कर रहे हैं, तो यू आई डी मतलब यूज़र आई डी। एंड देखोगे अगर आपको पता होगा जो सूडो होता है या तो रूट यूज़र होता है उसका हमेशा यू आई डी 0 ही होता है। ओके, सो उसके बेसिस पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो भी यूज़र एग्जीक्यूट कर रहा है इस स्क्रिप्ट को वो रूट है कि नहीं। सो मैं उसका एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टर्मिनल पे चलते हैं। एज अ रूट यूज़र मैंने लॉग इन है। अगर आप सिंपली यहाँ पे इको एंड डॉलर यू आई डी करोगे सो यहाँ पे आपको हमेशा देखो 0 दिखेगा, ठीक है। सो रूट यूज़र की जो यू आई डी होती है वो 0 होती है। सो इससे हम लोग ने चेक कर लिया कि हाँ। सो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सो हम लोग इतना ही स्टेप को चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग LSITR करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को इनफ परमिशन नहीं है फॉर एग्जीक्यूशन। हम लोग सिंपली करेंगे chmod a+x एंड यूजर मेक डॉट sh सिंपल एंड उसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे यूजर मेक डॉट sh। सो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ने उसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप देखो तो प्लीज रन विद sudo और रूट, बिकॉज हम लोग एज अ पॉल यूजर है, यहाँ पे हम लोग रूट यूजर नहीं है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं एज अ रूट यूजर लॉग्ड इन हूँ। ओके, एंड हम लोग सेम लोकेशन पे हैं। यहाँ पे देखोगे तो यूज़र मेक डॉट एसएच यहाँ पे हमारी फाइल है। मैं जैसे ही यूज़र मेक डॉट एसएच करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आया, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एज अ रूट यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप sudo करते हो एंड डॉट यूज़र डॉट एसएच तब भी ओके, उसके बाद आपको पासवर्ड मांगेगा एंड उसके बाद भी आपको वो एरर नहीं मिलेगा। तो sudo या तो रूट यूजर से करोगे तो कोई इशू नहीं है। ओके, सो अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे, जो कि है यूजर शुड प्रोवाइड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट एज अ यूजर नेम एल्स गाइड हिम। ओके, सो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन यहाँ पे ऐड मतलब चेक कर रहे हैं कि यूज़र ने जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है स्क्रिप्ट उसने कोई यूज़र नेम प्रोवाइड करा है कि नहीं। तो अगेन हमें इफ कंडीशन यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग को क्या कंडीशन चेक करनी है कि उसने आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया है या नहीं। सो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम लोग कैसे चेक करते हैं, हैश, ठीक है। तो डॉलर हैश को यूज़ करके हम लोग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं। अगर डॉलर हैश मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज लेस देन 1, ठीक है, सो हम लोग यूज़र को एरर दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। LT मतलब लेस देन एंड 1, लेस देन 1 मतलब कितना हुआ, 0 ही होगा। तो अगर 0 है तो हम लोग को क्या करना है, देन उसके बाद हम लोग को उसको गाइड करना है, उसको बताना है यूज़र को कि यार कैसे आपको स्क्रिप्ट के साथ यूज़र नेम या तो कमेंट्स ऐड करवाना है। तो हम लोग सिंपली करेंगे यहाँ पे इको, एंड उसके बाद हम लोग इस तरह से कुछ दे देंगे जैसे कि यूसेज, ओके, एंड लाइक दिस, एंड $0। $0 किस लिए यूज़ होता है? ये आपको स्क्रिप्ट का नाम वहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे कैसे और क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यूसेज मतलब यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम, एंड उसके बाद यूज़र नेम, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग कॉमेंट, ठीक है। तो इस तरह से तो हम लोग उसको यूज़र को बता रहे हैं कि आपको इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। एंड हम लोग कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं लाइक यूज़र, ठीक है, एंड क्रिएट अ यूज़र विथ नेम, यूज़र नेम एंड कमेंट्स फील्ड ऑफ कमेंट, इस तरह से, ठीक है। एंड अभी देखो उसने आर्ग्यूमेंट एक भी नहीं दिया है तो हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, स्क्रिप्ट में। तो हम लोग ने ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, एंड हम लोग कर देंगे एग्जिट विद status 1, मतलब ये अनसक्सेसफुल रहा है, एंड अपनी इफ कंडीशन को हम लोग कर देंगे यहाँ पे क्लोज। सो FI कर दिया हम लोग ने, ओके, एंड इसको अगेन, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सो हम लोग इसको कर लेते हैं सेव, एंड इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो दूसरे टर्मिनल पे है, एज अ रूट यूज़र लॉग इन है। मैं सिंपली यहाँ पे यूज़र मेक डॉट एसएच करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसने एक यूसेज का एरर दे दिया, काइंड ऑफ वार्निंग, कि यूसेज क्या है। देखो यूज़र मेक डॉट एसएच, यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट का नाम आ गया जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपको क्या है, आपको यूज़र को बता रहे हो कि देखो ये स्क्रिप्ट के नाम के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम प्रोवाइड करना है, एंड यहाँ पे ऑप्शनल में कमेंट ऐड करना है। तो जब तक आप ठीक है, एंड सपोज मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ टेस्ट। मैं जैसे ही टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमें कोई वार्निंग नहीं आई। इसका मतलब है कि हमारी सेकेंड स्टेप है, तो सेकेंड कंडीशन प्रॉपरली वर्क कर रही है, ओके। अभी हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। स्टोर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज यूज़र नेम, ओके। सो आर्ग्यूमेंट, आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट आप प्रोवाइड किया है यूज़र नेम ने, तो पहला आर्ग्यूमेंट आपको यूज एज अ यूज़र नेम आपको स्टोर करना। तो आप सिंपल यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बना लिया, एंड उसके बाद आप ओके, एंड यहाँ पे $1, ठीक है। तो $1 मतलब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है। एक वेरिएबल में अपनी यूज़र नेम की वैल्यू स्टोर कर ली। तो यूज़र नेम में हमारा ये है। अगर आप चाहो तो अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए आप इको एंड $ यूज़र नेम, इस तरह से, एंड यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स इट, एंड इसके बाद हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे देखो टेस्ट आ गया। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो यूज़र नेम हम लोग ने वेरिएबल बनाया उसमें वैल्यू स्टोर हो गई, ओके। सो हम लोग गुड टू गो हैं। हम लोग का थर्ड स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इन केस ऑफ मोर देन वन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अगर मान लो यूज़र ने एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दे दिए, तब उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में हम लोग को जो भी फर्स्ट यूज़र नेम के बाद जो भी रिमेनिंग है उसको एज अ कॉमेंट ट्रीट करना है। उसके लिए एक मेथड होता है, एक शिफ्ट नाम की एक कॉन्सेप्ट था। शिफ्ट से क्या होता है, जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो आपका शिफ्ट हो जाता है एंड रिमेनिंग आपका बचता है, ठीक है। सो हमें रिमेनिंग ही से ही मतलब है अभी। सो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट किया, सो वहाँ पे आगे बढ़ गया और रिमेनिंग जितना भी है वो बचा, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या करें, कॉमेंट इक्वल टू $, एंड यहाँ पे @, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ने पहला आर्ग्यूमेंट शिफ्ट कर दिया, एंड जो भी रिमेनिंग है उसको हम लोग ने एज अ कॉमेंट ले लिया, एंड यहाँ पे $@ मतलब जो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स बचे हैं उसको हम लोग ने उसमें ठीक है स्टोर कर लिया। अभी आप सिंपली फिर से अगर टेस्टिंग के लिए सिर्फ अगर हम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इको एंड कॉमेंट, इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे हम चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, ठीक है। एंड टेस्ट, एंड यहाँ पे हम लोग कुछ और भी देंगे इस बार। टेस्ट दिस इज कमेंट, ठीक है। तो टेस्ट मतलब जो यूज़र नेम था उसके बाद हम लोग जो भी लिख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो पहली बार में उसने एज अ टेस्ट यूज़र नेम उसको स्टोर किया, एंड बाद में उसने एज अ कॉमेंट उसको यहाँ पे स्टोर किया। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का बहुत ही सही चल रहा है अभी तक तो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का ये वाले स्टेप्स भी हो गए, ऑल दो अभी देखो हमारी इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। सो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ये ई को हम लोग रिमूव कर दे रहा है। ओके, अब आता है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, क्रिएट आ पासवर्ड। सो कैसे करेंगे देखते हैं इसको, ठीक है। सो कुछ तरीके हैं रैंडम पासवर्ड जनरेशन के। एक तो मैं तरीका बता दूं, जो हमारे पास एक रैंडम बैश वेरिएबल है, रैंडम। सो अगर आप देखोगे तो ये हर बार कुछ ना कुछ एक यूनिक नंबर, ठीक है, प्रिंट करता है, ठीक है। सो अगर अब लेकिन अगर कभी कभी देखोगे तो ये बहुत ही छोटा नंबर इसने प्रिंट कर दिया, राइट। बट ऑल दो आप इसको किसी चीज़ के और के साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। एक तो रैंडम हो गया, दूसरी चीज़ है डेट कमांड, ठीक है, डेट कमांड। बट यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है, तो इस टाइप से तो हमारा काम बनेगा नहीं। हम लोग क्या इसमें फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे $@ एस कर दो, मतलब एस सेकेंड। अब ये देखो ये इस तरह से कुछ यूनिक्स के टाइम फॉर्मेट में टाइम बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से बता रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो अगर आप जल्दी जल्दी करो तो 5, 6, 6 एंड, ठीक है। सो इस तरह से ओके। सो इसको और भी आपको ग्रैनुलर करना है, ठीक है, तो आप क्या कहें नैनो सेकेंड तक भी आप इसको कर सकते हो। सो यहाँ पे परसेंटेज $N कर दो, ठीक है ना। हो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। सो नाउ अगर आप चाहो तो इस तरह से कुछ पासवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड, ठीक है। सो सपोज हम लोग यही एक तरीका यूज़ करते हैं फॉर नाउ, ओके। सो यहाँ पे काफ़ी तरीके हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो, इंक्रिप्शन ऐड कर सकते हो, बट हम लोग अभी सिंपली यही करते हैं, ठीक है। तो डेट एंड ये वाला हम लोग फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो चलते हैं, ओके। सो इंसर्ट एंड उसके बाद हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे, पासवर्ड इक्वल टू, उसके बाद $, क्योंकि हम लोग इसके अंदर कमांड यूज़ करने वाले हैं। कमांड कौन सी होगी, डेट एंड उसके बाद प्लस $S एंड $N एंड या दैट्स इट। सो इस तरह से हम लोग कुछ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सो इस तरह से हमें अभी हमारे पास पासवर्ड भी आ गया। ऑल दो हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पे ई को करके देख सकते हैं पासवर्ड एंड, मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड यूज़र मेक एंड इसका सिंपल टेस्ट देता हूँ। सो यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे पासवर्ड इस तरह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो ऑल दो हमारा पासवर्ड तक भी हो गया, तो हम लोग के चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ओके। अब हमारे पास पासवर्ड भी बन गया है, हम लोग ने यूज़र नेम भी ले लिया, आर्गुमेंट्स भी ले लिए, शिफ्टिंग भी कर लिया। अब हम लोग यूज़र क्रिएट करेंगे। यूज़र क्रिएट के लिए हम लोग सिंपली करेंगे यूज़र ऐड कमांड एंड अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरा यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट वाला वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो है, तो वो प्लीज़ एक बार जाकर देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हम लोग सिंपली करेंगे यहाँ पे यूज़र ऐड, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉमेंट एंड यहाँ पे सी मतलब कॉमेंट होता है एंड हम लोग सिंपली यहाँ पे $एंड कॉमेंट, जो अभी हम लोग ने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था वो, ठीक है। एंड उसके बाद -m मतलब यहाँ पे डायरेक्टरी, जो आपकी होम डायरेक्टरी है वो बनाना है एंड उसके बाद $user_name, ठीक है। एंड उसके बाद डायरेक्टरी बनाना है एंड उसके बाद लास्ट में हम लोग यूज़र नेम दे देते हैं, ओके। सो ये तो बहुत ही बेसिक तरीका है यूज़र बनाने का। आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे ग्रुपिंग हो गई, या तो आप जो डिफ़ॉल्ट शेल है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि आप यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट वाला वीडियो देख लो, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी है मिलेगी एंड इन दैट केस आप लोग चाहो तो इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो, ओके। सो यहाँ तो हो गया हमारा ये इतना पार्ट हो गया, चेक इफ द यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड और नॉट, ओके। सो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। एंड इसके बाद हम लोग कंडीशन ऐड करेंगे यहाँ पे $, एंड क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ओके। इसका देखो $, क्वेश्चन मार्क होता है ये आपका स्टेटस, जो आपका जो प्रीवियस स्टेटस था वो क्या था, मतलब नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 मतलब सक्सेसफुल होता है, इसके अलावा कुछ भी हो तो आपका ये सब अनसक्सेसफुल कहलाता है। सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू 0 मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हमें यूज़र को क्या बताना है, हम लोग सिंपली देन करते हैं एंड उसके बाद कुछ हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं ई को, ठीक है। तो The account could not be created, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा हो गया है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग को एग्जिट करना है ये स्क्रिप्ट को, क्योंकि हम स्क्रिप्ट में आगे नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट 1 कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग F5 कर देंगे, राइट। सो ये हमारा एक और स्टेप हो गया है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं सेट द पासवर्ड फॉर द यूजर, क्योंकि हम लोग को पासवर्ड तो हम लोग ने जनरेट कर लिया था, उसको स्टोर कर लिया, अब हम लोग सेट कर देते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड कमांड यूज करते हैं, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, सो हम लोग इसके लिए सिंपली यूज करेंगे पासवर्ड कमांड एंड उसके बाद पासवर्ड, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड हम लोग ने बनाया था वो, एंड उसके बाद हम लोग यूजर नेम देना है, ठीक है, कि हम लोग किस यूज़र नेम का चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का यूज़र नेम हो गया। एंड ऑफ कोर्स ये स्टेप तभी होगा जब हमारा यूज़र नेम सक्सेसफुली क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हुआ था तो हम लोग ने एग्जिट पहले ही कर दिया था, बट अगर सक्सेसफुली है तो हम लोग इस स्टेप तक यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, चेक ए पासवर्ड इज सक्सेसफुली सेट और नॉट। अगेन यहाँ पे कंडीशन है तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इफ कंडीशन ऐड करेंगे एंड यहाँ पे F5। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग क्या चाह रहे हैं कि फोर्स पासवर्ड चेंज ऑन द फर्स्ट लॉगिन, क्योंकि यूज़र जब भी पहली बार लॉगिन करें तो उसको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़े। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, wd पासवर्ड कमांड डी यूज़ होगा एंड हाइफन ई एंड उसके बाद आपको यूज़र का नेम देना है, यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है। तो हाइफन ई मतलब यहाँ पे एक्सपायर करना ऑन द फर्स्ट लॉगिन। एंड अगेन आप यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट वाला मेरा वीडियो देख सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे सारे काम हो चुके हैं लगभग। एंड इसके बाद हम लोग को क्या है, डिस्प्ले द यूजर नेम पासवर्ड एंड द होस्ट नेम वेयर इट इज क्रिएटेड। ओके, सो इट्स रियली वेरी सिंपल राइट नाउ इको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छे तरीके से फॉर्मेटेड कर सकते हैं, जैसे कि यूजर नेम एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डॉलर यूजर अंडरस्कोर नेम, ओके, एंड इसके बाद डॉलर होस्ट नेम, ठीक है। तो ये आपका होस्ट नेम प्रिंट कर देगा। ओके, सीम्स टू बी गुड। एंड ये हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। एंड यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सेव। अब हम इसको करके देखेंगे रन। ओके, एंड मैं दूसरे टर्मिनल से करता हूँ, एज अ रूट यूजर ही करता हूँ। ओके, ऑलराइट, सो चलते हैं अब टर्मिनल पे एंड हम अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पे ट्राई करते हैं रन करने का। एंड यूज़र डॉट, इसके बाद मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि विक्टर हो गया। एंड उसके बाद हम लोग टेस्ट यूज़र, इस तरह से कुछ कमेंट दे देते, ठीक है। जैसे ही एंटर करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे कुछ मुझे यूजेज आ गया है। एंड सबसे पहले तो देखो जो हमारा कमेंट था, जो हम लोग का प्रॉम्प्ट था, अकाउंट कुड नॉट बी क्रिएटेड, ये हमारी स्क्रिप्ट से आया, ठीक है, पहली चीज़। ओके, नाउ इसके बाद थोड़ा ऊपर आते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूसेज जो है वो यूज़र ऐड का आया है, तो मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है यूज़र ऐड से रिलेटेड, तो मतलब जो हम लोग ने यूज़र ऐड करी थी उसमें प्रॉब्लम है। जो चलते हैं हम और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट में चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने सेक्शन पे यूज़र ऐड वाली, देखो क्रिएट द यूज़र वाला सेक्शन है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो यहाँ पे आई गेस इशू हो सकता है कि जो कमेंट है, ठीक है, तो वो कमेंट में मल्टीपल वर्ड्स है, तो कमेंट्स में किस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको इस तरह से देना पड़ेगा यहाँ पे कोट्स के अंदर, कि हम लोग उसको बता सके कि यहाँ इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो कंबाइंड हैं और एक कमेंट है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। एंड अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे पासवर्ड भी प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे इको पासवर्ड, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको भी डिलीट कर देते हैं। एंड सिंपली इसको करते हैं सॉल्व। ऑल्दो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, रीज़न ये है कि इसके मदद से हम लोग ने ये चेक कर लिया कि जब यूज़र प्रॉपरली क्रिएट नहीं हुआ तो इसके बाद हम लोग को ये इस टाइप का एरर आया जो कि हमारी स्क्रिप्ट से था। सो इट इज़ रियली वेरी गुड प्रैक्टिस समटाइम, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग फिर से करते हैं विक्टर टेस्ट यूज़र। ओके, ओनली वन यूज़र मे बी स्पेसिफाइड, ओके, पासवर्ड कुड नॉट बी सेट। सो इस बार पासवर्ड से रिलेटेड कुछ इशू आ गया है। ओके, सो अब देख लेते हैं कि पासवर्ड कमांड में क्या दिक्कत है। सो अभी हम लोग देखो, अभी हमारी स्क्रिप्ट की भी टेस्टिंग होते जा रही है, ठीक है। तो अब पासवर्ड से हम लोग को रिलेटेड कुछ इशू है, ठीक है। तो यूज़र ऐड वाला हमारा सेक्शन हो गया था, यहाँ पे पासवर्ड वाले हम लोग यहाँ पे केस में आ गए। तो हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, पासवर्ड। ओके एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग यूज़र नेम दे रहे हैं, ठीक है। ओके एंड इसके बाद हम लोग एरर देख लेते हैं कि ओनली वन यूज़र मे बी स्पेसिफाई। ओके सो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है। ओके यहाँ पे पासवर्ड आपने कमांड दी, उसके बाद उसको यूज़र चाहिए होता, तो हम लोग पासवर्ड भी दे दिया, हम लोग ने एक यूज़र नेम भी दे दिया, तो उसको वो यूज़र नेम ही एज अ मतलब कंसीडर कर रहा है एंड वो बोल रहा है कि यार एक ही यूज़र चाहिए मुझे, ऐसे क्या दे रहे हो तुम, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम काइंड ऑफ आ, इसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। ओके सो इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये भी एक तरीका होता है पासवर्ड सेट करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट करते हैं एंड इसके बाद ई को, ओके एंड इसके बाद मैं कर देता हूँ डॉलर पासवर्ड, ठीक है एंड इसको मैं, ठीक है तो डॉलर पासवर्ड एंड इसके बाद मैं पाइप साइन दे देता हूँ एंड पासवर्ड कमांड ही यूज़ कर रहे हैं, बट हम लोग एज अ stdin यहाँ पे यूज़ करेंगे, stdin एंड उसके बाद यूज़र नेम, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हो एंड यहाँ पे, ठीक है तो ई को पासवर्ड एंड stdin यूज़र नेम, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेव। ओके सो यहाँ पे हमारा सेव हो गया है एंड अब हम एक यूज़र बनाने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं हमारा बना कि नहीं। एंड यहाँ पे विक्टर नहीं बनाएंगे इस बार, हम लोग बनाएंगे एक एलेक्स नाम का यूज़र एंड इसका हम लोग फिर से कमेंट दे देते हैं टेस्ट यूज़र, इस तरह से, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम दे दिया, टेस्ट यूज़र दे दिया एंड नाउ लेट्स सी क्या हुआ है। ओके सो यहाँ पे सक्सेस हो गया है। यहाँ पे देखो तीन चीज़ हमें लास्ट में मिल गई है, यूज़र नेम एलेक्स एंड हमारा पासवर्ड एंड CS क्लाइंट, ये जो हमारा ये नहीं आया, ये भी हम देख लेंगे। ओके सो ये बोल रहा है कि, ठीक है सो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट था, ठीक है सो हम लोग कुछ और भी बना के देख सकते हैं। अब जैसे कि टेस्ट यूज़र ही रहने देते हैं एंड एलेक्स की जगह हम शानू, इस तरह से कुछ यूज़ कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे हम लोग को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आया एंड यहाँ पे सिंपली जो हम लोग ने कमांड्स यूज़ करी हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, बट हम लोग का जो मेन था शानू एंड यहाँ पे पासवर्ड एंड ऑल। बट अभी हम लोग इसको वेरीफाई कैसे करें कि यार ये वाला हम लोग का अकाउंट बन गया है कि नहीं। सो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये वाला जो पासवर्ड है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड शानू हमारा यूज़र नेम, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे SU एंड शानू एंड यहाँ पे पासवर्ड बोल रहा है, तो मैं जो वहाँ पे कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे एंटर करता हूँ। ओके सो यहाँ पे देखोगे कि पहली बार मैंने जैसे ही एंटर किया, मतलब लॉगिन किया, तो उसने क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। ओके बट ऑल्दो हमारे यहाँ पे यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, लॉगिन भी हम लोग ने कर दिया एंड उसके बाद अब उसने इन्फोर्स भी कर दिया कि भाई अब अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर लो। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें और हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हम लॉगिंग इनेबल कर सकते हैं कि अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ लॉग्स कहीं पे प्रिवेंट करना हो तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तो पासवर्ड आ गया, यहाँ पे CS क्लाइंट, अभी हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं जो CS क्लाइंट। ओके जो CS क्लाइंट हमारा क्या था, ये होस्ट नेम था, ठीक है। सो ये हम लोग का प्रॉपर नहीं आया तो हम उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यूज़र मेक डॉट ऐसे सबसे लास्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग ने सिर्फ यहाँ पे इस तरह से दिया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम लोग होस्ट नेम दिस एंड यहाँ पे इस तरह से, ठीक है एंड यहाँ पे अब फिक्स हो गया। अब जब भी यूज़र बनाओगे तो यहाँ पे होस्ट नेम इसके सामने जाएगा CS क्लाइंट के साथ। सो ऑलराइट, सो वीडियो यहीं तक था। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, ये हेल्पफुल रही होगी वीडियो। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।